गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। आज हम फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक रहेगा लंबार पंक्चर। एक्चुअली में इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, स्पाइनल टैप। ओके, तो बिना किसी देर के अपन स्टार्ट कर लेते अपना टॉपिक। तो सबसे पहले देख लेते अपन डेफिनेशन की एक्चुअली में लंबार पंक्चर बोलते किसको है। तो लंबार पंक्चर इज ए प्रोसेस ऑफ ए निडल इंसर्टिंग इन सब आर्किनोइड स्पेस एट लंबार रीजन टू कलेक्ट CSF। यानी कि एक निडल इंसर्ट करते हैं किसमें, सब आर्किनोइड स्पेस में। अब सब आर्किनोइड स्पेस कहाँ पे पाया जाता है, मेनिंजेस जो लेयर होती है वहाँ पे होता है, मेनिंजेस के अंदर होता है। एक्चुअली में जो मेनिंजेस की सेकेंड लेयर होती है, मिडल लेयर, जिसे कि आर्किनोइड मैटर बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसे पाया मैटर। तो आर्किनोइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उसे सब आर्किनोइड स्पेस बोलते हैं। तो वहाँ पे निडल इंसर्ट करके CSF को कलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे लंबार पंक्चर बोलते हैं। ओके, अब अपन देख लेते हैं CSF। एक्चुअली में CSF क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड इसकी फुल फॉर्म है। इट इज़ ए क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाने वाला एक फ्लूड है जिसका कलर क्या होता है, कोई कलर नहीं होता, क्लियर और कलरलेस होता है, और उसे क्या बोलते हैं, CSF। इट इज़ प्रोड्यूस बाई स्पेशलाइज एपेंडाइमल सेल इन द कोरोइड प्लेक्सेस ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। यानी कि ब्रेन्स के अंदर जो वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं उनके अंदर कोरोइड प्लेक्सेस होता है, उनके द्वारा ही ये CSF का प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं CSF प्रोडक्शन क्या होता है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ साइट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली में बनता कहाँ पे, ये बनता है CSF कोरोइड प्लेक्सेस ऑफ ब्रेन्स वेंट्रिकल। यानी कि ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके अंदर जो कोरोइड प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पर CSF का प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली में कोरोइड प्लेक्सेस कंटेन क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, दे हेल्प इन CSF फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्लड। एक्चुअली में क्या होता है कि ब्रेन को सीधा ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड को एंटर करने से सीधा ब्रेन के अंदर। तो वहाँ पे जो भी, अब सवाल आता है कि ब्रेन अपना नरिशमेंट कैसे करता है, तो वो क्या करता है, ब्लड से एक फ्लूड का फॉर्मेशन करता है जिसे क्या बोलते हैं, CSF। और वो किसके द्वारा होता है, कोरोइड प्लेक्सेस के द्वारा। अब कोरोइड प्लेक्सेस ही क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के सेल पाए जाते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, यानी कि स्पेसिफिक टाइप के बंदे पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड से CSF का फॉर्मेशन करवाते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ CSF प्रोडक्शन। एक्चुअली में CSF बनता कैसे, उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्ट, ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन वेंट्रिकल बाय टीनी ब्लड कैपिलरीज। पहले क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है वेंट्रिकल्स तक, कैपिलरीज जाती है वहाँ पे, दीज कैपिलरीज प्रेजेंट अराउंड द वेंट्रिकल्स। ये ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके चारों ओर प्रेजेंट रहती हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ब्लड सप्लाई हो चुकी है, एंड देन इन ब्रेन वेंट्रिकल्स प्रेजेंट कोरोइड प्लेक्सेस। अब कोरोइड प्लेक्सेस वहाँ पे प्रेजेंट हैं वेंट्रिकल्स में, दैट कंटेन क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, वो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं। दे हेल्प इन पासिस ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट लाइक H2O, सोडियम, पोटेशियम ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड एक्सेट्रा, एंड फॉर्म CSF। यानी कि जो कोरोइड प्लेक्सेस के अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, जो कोरोइड प्लेक्सेस विलाई होती हैं उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको परमिएबल बनाती हैं, ताकि वहाँ पे H2O, सोडियम, पोटेशियम ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सब कंटेंट ब्लड से एंटर हो सकें, कहाँ पे, वेंट्रिकल्स के अंदर, और मिलकर क्या बना सकें, CSF। अब एक्चुअली में अपन देख लेते हैं, लाइव देख लेते हैं कि एक्चुअली में CSF बनता कैसे, कैसे ब्लड सप्लाई होती है और कैसे CSF का प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये देख रहे हैं अपन, ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है वो वेंट्रिकल्स हैं, और जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है वो कोरोइड प्लेक्सेस हैं। ओके, अब देखते हैं कि एक्चुअली में CSF बनता कैसे। ये आप देख रहे हैं रेड कलर की कैपिलरीज हो गई, और ये जो ब्लू कलर की लेयर दिख रही है वो है कोरोइड प्लेक्सेस विलाई। ओके, और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो क्या हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। ठीक है, ठीक है, अपन और डीपली जाके देखते हैं कि एक्चुअली में ये बनता कैसे। तो ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, अभी तीन चीज़ हो चुकी हैं, कैपिलरीज और वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होती है, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। अब यही क्या करेंगे, ब्लड से जो भी सोडियम पोटेशियम उनको रिसीव कर लेंगे और वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर करवा देंगे, और CSF का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब अपन देखते हैं एक्चुअली में ये एंटर कैसे होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, देखा इनकी स्ट्रक्चर कितनी कमाल की है, ये परमिएबल होती है एक्चुअली में, और इसी वजह से देखना सोडियम एंटर हो चुका है वेंट्रिकल में, उसके बाद क्लोराइड आयन जा रहे हैं, एंड देन आफ्टर बाइकार्बोनेट आयन। अब यही जाके क्या कर देते हैं, वहाँ पे CSF का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अभी और कुछ कंटेंट्स आने बाकी हैं, अभी मेन कंटेंट तो आना बाकी है H2O, क्या बात है।
क्योंकि जो सीएसएफ होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा H2O ही प्रेजेंट होता है, बाकी जो कंटेंट्स होते हैं वो नॉर्मल अमाउंट में होते हैं। सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, H2O भी आ चुका है, और पोटेशियम आना बाकी है, पोटेशियम भी आ जाएगा। ये पोटेशियम आ चुके हैं, मैग्नीशियम आ चुका है, कैल्शियम आ चुका है, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, ये सब मिलकर अब सीएसएफ का फॉर्मेशन कर देंगे वेंट्रिकल्स में। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, वापस से प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्कुलेशन। अब बन तो चुका है ये वेंट्रिकल्स के अंदर, अब ये सर्कुलेट होके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक एक्चुअली में जाता कैसे, वो प्रोसेस अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट सीएसएफ फॉर्म्ड इन लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स में बन चुका। मेनली चार वेंट्रिकल्स होते हैं, टू लेटरल वेंट्रिकल्स एंड थर्ड वेंट्रिकल्स एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो चार वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है, वहाँ पे सीएसएफ बनता है, मेनली लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर ही बनता है, और उसके बाद ही सर्कुलेट हो जाता है सबआर्कुलर स्पेस में और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाता है, ठीक है। ये लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर बन चुका है, उसके बाद कहाँ जाएगा, आफ्टर देन सीएसएफ गोज फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल से थर्ड वेंट्रिकल में चला जाता है। अब एक गेट हुआ होता है थ्रो इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, यानी कि एक गेट होता है उसके द्वारा ये लेटरल से थर्ड वेंट्रिकल में चला जाता है, और उस गेट को बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। ओके, अब यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल में पहुँच चुका है, बाकी अभी ब्रेन तक पहुँचना बाकी है, तो कैसे पहुँचेगा वो देखते हैं। आफ्टर देन सीएसएफ गोज फ्रॉम थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल थ्रो सेरेब्रल एक्वेडक्ट, यहाँ पे भी एक गेट होता है, उसे सेरेब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं, जिसके द्वारा थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ चला जाता है। अब फोर्थ वेंट्रिकल में पहुँच चुका है, उसके बाद आगे कैसे पहुँचता है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वन देख स्टेप देखते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद आफ्टर देन सीएसएफ रिलीज फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल इन टू द सबआर्कुइनोइड स्पेस, जो कहाँ पे होता है, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है वो होता है सबआर्कुइनोइड स्पेस। अब इस स्पेस में जाने के लिए तीन गेट पार करने पड़ते हैं इसे, तो टू गेट तो होते हैं लेटरल, लेटरली फोर्थ वेंट्रिकल होता है, उसके लेटरल में टू फोरामेन पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लस्का, एंड वन जो एक बीच में गेट पाया जाता है उसे फोरामोन, फोरामेन ऑफ मैगेंडाई बोलते हैं, ठीक है। तीन गेट होते हैं, उनके द्वारा फोर्थ से सबआर्कुइनोइड स्पेस में एंटर कर जाएगा सीएसएफ, एंड उसके बाद क्या होगा इसका, उसके बाद ये सीएसएफ सबआर्कुइनोइड स्पेस में पहुँच चुका है, एंड ये फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाके उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है। क्लियर, अब हम एक्चुअली में लाइव देख लेते किस टाइप से ये सर्कुलेट होता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ये देखना, ये लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर सीएसएफ आ चुका है, एंड देन उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल में इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा, उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में सेरेब्रल एक्वेडक्ट के द्वारा, फिर तीन गेट खुलेंगे फोर्थ वेंट्रिकल से, उसके द्वारा सबआर्कुइनोइड स्पेस में, एंड उसके बाद ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, ये अपर साइड में ब्रेन को सप्लाई हो रहा है और लोअर साइड में कहाँ चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी, अब एक बार फिर से नेक्स्ट स्लाइड से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक्चुअली में सर्कुलेट होता है, ठीक है। आप देखना कि येलो येलो एरो निकल रहा है मिडल पार्ट से, देखना ये निकला थर्ड में गया, उसके बाद फोर्थ में, उसके बाद सबआर्कुइनोइड स्पेस से पूरे सीएनएस में, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक सप्लाई हो जाता है पूरा सीएसएफ। ओके, सॉरी, अब देख लेते हैं नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सीएसएफ, यानी कि एक्चुअली में सीएसएफ कैसा दिखता है, क्या क्या कंटेंट्स पाए जाते हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, क्योंकि अब नॉर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता चलेगा तो एग्जामिनेशन करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी एबनॉर्मलिटी एक्चुअली में डेवलप हो चुकी है पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो नॉर्मल फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं अमाउंट ऑफ सीएसएफ की, कितना अमाउंट एक्चुअली में सबआर्कुइनोइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो 125 टू 150 ml, यानी कि 125 से 150 ml अमाउंट सीएसएफ प्रेजेंट रहता है। नॉर्मल पीएच देख लेते हैं, स्लाइटली एल्केलाइन, यानी कि 7 होती है, ठीक है। कलर ऑफ सीएसएफ कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस या फिर क्लियर या क्रिस्टल कलर होता है। सीएसएफ कंटेंट की क्या कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं वो देख लेते हैं। ग्लूकोज, प्रोटीन, रुक जाओ भाई साहब, क्लोराइड आयन, कुछ WBC भी होती हैं वो, बट RBC एबसेंट होती है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो एंटर नहीं करने देता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, नॉर्मल ग्लूकोज कितना होता है सीएसएफ के अंदर वो देख लेते हैं। 40 to 60 mg/dL होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, तो हम देख लेते हैं पर्पज़ ऑफ लंबार पंक्चर, कि एक्चुअली में ये कर क्यों रहे हैं, लंबार पंक्चर अपन कर तो रहे हैं बट क्यों कर रहे हैं।
तो वो देख लेते हैं। CSF एनालिसिस कर सकते हैं, CSF प्रेशर मॉनिटर करने के लिए, स्पाइनल एनेस्थेसिया देने के लिए, ड्रग एनिमेशन, कोई भी एबनॉर्मलिटीज आ चुकी है सेरेब्रम या ब्रेन या स्पाइनल कोड के अंदर तो कोई ड्रग एडमिनिस्टर करनी है तो लंबार पंक्चर कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं कि कब लंबार पंक्चर नहीं करना चाहिए अपने को। तो आपके सामने प्रेजेंट है एक इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, अगर ICP बढ़ चुका है तो नहीं करेंगे, यानी कि 15 mm ऑफ HG से ज़्यादा ICP हो चुका है तो लंबार पंक्चर को अवॉइड करना है, ठीक है। नॉर्मल ICP देख लेते हैं कितना होता है, 1 to 15 mm ऑफ HG होता है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में मूव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मूव करने के बाद हम देखते हैं इंडिकेशन ऑफ लंबार पंक्चर कि कौन कौन सी कंडीशन में हमें लंबार पंक्चर परफॉर्म करना चाहिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर होती है, अगर उसी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस, तो हमें लंबार पंक्चर परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये क्या होती है, ये देख लेते हैं, एक CNS डिजीज़ है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑफ CNS। इसमें क्या होता है, और इम्यून सिस्टम अटैक ऑन नर्व्स एंड डैमेज द माइलिन शीथ, यानी कि हमारा खुद की जो इम्यून सिस्टम है वो नर्व पे अटैक कर देता है और उसकी माइलिन शीथ को डैमेज कर देता है। तो मेन काम माइलिन शीथ का क्या होता है, नर्व कंडक्शन या इम्पल्स कंडक्शन का मेन काम कौन करता है, माइलिन शीथ ही करती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो नेक्स्ट देख लेते हैं डिजनरेटिव ब्रेन डिजीज़, यहाँ पे भी हम लंबार पंक्चर परफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन कौन सी डिजनरेटिव ब्रेन डिजीज़ हैं, फर्स्ट पार्किंसन डिजीज़, ये क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो चुका है तो मतलब पार्किंसन डिजीज़ हो चुकी है पर्सन को, ठीक है। सेकंड देखते हैं अल्जाइमर डिजीज़, अब ये क्या होता है, अगर एसिटाइल कोलाइन यानी कि ACH का लेवल डिक्रीज हो चुका है तो समझ लेना क्या हो चुका है पेशेंट को, अल्जाइमर डिजीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, तो हम देखते हैं प्रोसीजर इक्विपमेंट्स, यानी कि लंबार पंक्चर के दौरान कौन कौन से इक्विपमेंट्स यानी कि कौन कौन से चीज़ें अपने को ज़रूरी हैं लेनी। तो फर्स्ट ऑफ ए फाइन नीडल, एक नीडल लेते हैं क्योंकि बिना नीडल के तो हम CSF निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो अडल्ट के लिए 25 गेज की नीडल यूज करते हैं, देन सेकंड इन्फेंट के लिए 22 गेज यानी कि 22 गेज की, ओके। नेक्स्ट वन, भाई सब कितना घूमोगे, नेक्स्ट वन यूज करते हैं 70% अल्कोहल टू क्लीन द साइट, ओके। तभी मैं सोच रहा इतना क्यों घूम रहा है, क्योंकि अल्कोहल तो अच्छे अच्छे बंदों को घुमा देता है। थर्ड वन देखते हैं, लोकल एनेस्थेसिया भी यूज करते हैं ताकि पेन को कम किया जा सके। एंड फोर्थ वन, सैंपल कलेक्शन वाइल्स, यानी कि सैंपल भी तो कलेक्ट करेंगे, जो अपन CSF निकालेंगे वो इकट्ठा कहाँ पे करना है, उसके लिए वाइल्स चाहिए। तो मेनली रूप से 3 vials यूज़ लगते हैं। अब क्यों लेते हैं 3 vials, एक तो बैक्टीरियल एग्जामिनेशन के लिए, दूसरा सिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, एंड थर्ड वन वायरल एग्जामिनेशन के लिए, ओके क्लियर। नेक्स्ट पे चलो, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट वन, साइट ऑफ नीडल इंसर्शन। अब ये सब कुछ तो ले लिया है, अब अपने को नीडल इंसर्ट कहाँ पे करनी है, CSF कहाँ से निकालना है वो देख लेते हैं। तो इन अडल्ट के अंदर बिटवीन द L3 और L4 यानी कि जो लंबार वर्टिब्रा है 3 और 4, उनके बीच का जो स्पेस है वहाँ पे नीडल इंसर्ट करके CSF कलेक्ट करना है। अब ये कहाँ क्यों करते हैं, ये ही साइट क्यों लेते हैं, इससे ऊपर क्यों नहीं लेते हैं, तो उसका रीज़न है बिकॉज इन अडल्ट स्पाइनल कोड एक्सटेंडेड टू L1, क्योंकि जो अडल्ट पर्सन होते हैं वहाँ उनके अंदर स्पाइनल कोड होती है वो लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होती है। अगर L3 से ऊपर आप उन्हें नीडल इंसर्ट की तो चांसेस हो सकते हैं कि स्पाइनल कोड के अंदर इंजरी हो जाए और पैरालिसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। और इन्फेंट के अंदर बिटवीन L4 एंड L5 के बीच में, और ये क्यों करते हैं क्योंकि इन्फेंट के अंदर जो स्पाइनल कोड एक्सटेंड होती है वो कहाँ तक होती है, L2 से L3 के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन प्री प्रोसीजर नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि अब प्रोसीजर अपन परफॉर्म करने वाले हैं उससे पहले क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन अपने को ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे CSF पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, क्यों, टू इंक्रीज इंट्रा वर्टिब्रल स्पेस, ताकि जो वर्टिब्रा है उनके बीच का स्पेस बढ़ जाए और आसानी से हम नीडल इंसर्ट कर पाएँ। CSF पोजीशन दे दी, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद साइट को क्लीन करना है, जो 70% अल्कोहल अपन ने रख लिया है एंड साइट क्लीन हो चुकी है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लोकल एनेस्थेसिया देना है ताकि जब नीडल इंसर्ट करें तो पेन ना हो पेशेंट को। एंड देन आफ्टर लोकल एनेस्थेसिया भी दे चुके हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म कर देते हैं, ओके। अब अपन देख लेते हैं कि ये सब कैसे करते हैं, लाइव देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। आपके सामने प्रेजेंट है लाइव सिचुएशन। तो सबसे पहले साइट क्लीन कर चुके हैं CSF पोजीशन देने के बाद,
एंड उसके बाद अपने को क्या करना है, लोकल एनेस्थेसिया प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन ले लिया, ये लोकल एनेस्थेसिया, चलो भाई इंजेक्ट हो चुका है ताकि अब पेन नहीं होगा पेशेंट को। अब लोकल एनेस्थेसिया भी ले चुके हैं, दे चुके हैं सॉरी, तो अब क्या करेंगे, निडल इंसर्ट करेंगे ताकि सीएसएफ कलेक्ट कर दें। निडल इंसर्ट हो चुकी है एंड सीएसएफ भी कलेक्ट हो चुका है। अब अपन डीपली देख लेते हैं कैसे कहाँ पे निडल इंसर्ट करनी है और कहाँ तक करनी है। तो सब आर्किनोइड तक करनी है क्योंकि सब आर्किनोइड के जस्ट नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती है। अगर ज़्यादा इंसर्ट हो गई सब आर्किनोइड से नीचे तो स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो सकती है, तो जैसा कि आप देख चुके हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि कैसे प्रोसीजर परफॉर्म करना है। सॉरी वापस प्ले हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन, यानी कि प्रोसीजर कर चुके हैं, सीएसएफ कलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद क्या करना है। तो उसके बाद करना है अप्लाई गोज एंड एडहेसिव टेप ऑन द साइट ऑफ निडल इंसर्शन टू प्रिवेंट फ्रॉम सीएसएफ लीकेज, यानी कि अपन ने सीएसएफ इंसर्ट सॉरी कलेक्ट करने के लिए जो निडल इंसर्ट करी है उसकी वजह से क्या हो जाता है, अपनी जो स्किन इंटीग्रिटी और मेनिंजेस की इंटीग्रिटी वो हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो सीएसएफ लीकेज होने के चांसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, गोज या फिर एडहेसिव टेप अप्लाई करने हैं ताकि सीएसएफ लीकेज ना हो। देन उसके बाद क्या करना है, उसे सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करनी है विदाउट प्लेसिंग पिलो अंडर द हेड, वो कितने समय तक, फोर टू 12 आवर टू प्रिवेंट फ्रॉम, सॉरी मिस टाइपिंग है, फ्रॉम है, फ्रॉम पोस्ट प्रोसीजर हेडेक, ठीक है। अब जैसे कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे और उसके सर के नीचे क्या नहीं रखेंगे, पिलो नहीं रखेंगे क्योंकि हेड एलिवेट नहीं करना है। अगर हेड एलिवेट किया तो वापस सीएसएफ कम सप्लाई होगा और हेडेक होने के चांसेस हो सकते हैं। अचानक से अगर आईसीपी डिक्रीज होता है तो हेडेक डेवलप हो सकता है। तो 4 से 12 घंटे तक उसे सुपाइन पोजीशन में रखना है विदाउट पिलो। ओके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो देख लेते हैं इंटरवेंशन रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ सीएसएफ, यानी कि अभी सीएसएफ को कलेक्ट तो कर लिया, अब इसको स्टोर भी करना है और उसे लैब तक भेजना है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या इंटरवेंशंस अपने को ध्यान में रखने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर द सीएसएफ एट 22 to 24 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, एंड सेंड इन लेबोरेटरी विद इन 1 to 2 आवर्स आफ्टर कलेक्शन, यानी कि सीएसएफ कलेक्ट करने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं और 101 से 2 घंटे के अंदर इसे लैब के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं एग्जामिनेशन के लिए। देन सेकंड क्या करेंगे, अगर इफ़ डिले ट्रांसमिशन, अगर ट्रांसमिशन नहीं कर पाए 1 से 2 घंटे के अंदर लैब के अंदर, तो क्या करना है, सीएसएफ को 4 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर रखना है और कितने टाइम तक रख सकते हैं, 12 to 24 आवर तक हम उसे स्टोर रख सकते हैं 4 डिग्री पे। अगर इससे ज़्यादा रखा टाइम तक अपन ने उसे स्टोरेज रखा तो क्या होगा, सीएसएफ क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और एग्जामिनेशन होगा वो नेगेटिव आएगा। थर्ड वन, इफ़ वी वॉन्ट टू डन सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सी एस एफ, देन सी एस एफ शुड बी स्टोर एट -20 डिग्री टेम्परेचर फॉर 12 to 24। अगर किसी का सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, अगर सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के पर्पज़ के रिगार्डिंग हमने सी एस एफ को कलेक्ट किया है तो हमें उसे -20 डिग्री पे स्टोर रखना है, और कब तक रख सकते हैं, 12 to 24 आवर तक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। तो अब सब कुछ हो चुका है, लैब में भेज चुके हैं सीएसएफ को, अब उसका एग्जामिनेशन करना है। तो एग्जामिनेशन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट, अगर पिंक कलर का सीएसएफ है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, आरबीसी प्रेजेंट हो चुके हैं, यानी कि आरबीसी आ चुके हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ चुकी है जिससे आरबीसी वेंटिकल्स में आ चुकी हैं या फिर हेमरेज हो चुका है अंदर, ठीक है। इफ अपीयर टर्बिड कलर, यानी कि टर्बिड कलर सीएसएफ प्रेजेंट है तो ये किसको इंडिकेट करेगा, इन्फेक्शन को। टर्बिड कलर क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पर WBC की नंबर्स इंक्रीज हो चुके हैं ड्यू टू इन्फेक्शन कंडीशन के कारण। ओके थर्ड, अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है सीएसएफ में तो ये किसको इंडिकेट करता है, डायबिटीज मेलिटस को। ओके नेक्स्ट देखते हैं, अगर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो चुका है सीएसएफ के अंदर तो ये इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर प्रोटीन का लेवल बढ़ चुका है सीएसएफ में तो ये किसको इंडिकेट करेगा, डिजनरेटिव ब्रेन डिजीज और इन्फ्लामेटरी ब्रेन डिजीज को इंडिकेट करता है। नॉर्मल प्रोटीन का लेवल कितना होता है सीएसएफ के अंदर, ये होता है 30 to 50 mg/dL। ओके नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबार पंक्चर कि अब लंबार पंक्चर हो चुका है, एग्जामिनेशन कर चुके हैं, तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, निडल इंसर्ट करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। तो एक मेन कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, दैट इज़ द सीएसएफ लीकेज। सीएसएफ लीकेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं लंबार पंक्चर के बाद। ओके तो नर्सिंग अलर्ट क्या रखना है, अगर सीएसएफ लीकेज हो रहा है तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले करना है
ट्रेंडल बार पोजीशन देनी है ताकि हेडेक से प्रिवेंट किया जा सके और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम होने से बचाया जा सके। अगर कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन रखना है कैसे भी करके, ओके। एंड देन सेकंड क्या करना है, एचसीपी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। एंड थर्ड वन करना है इंक्रीज फ्लूड इनटेक टू प्रिवेंट शोक। फ्लूड इनटेक इंक्रीज करवाएंगे पेशेंट को ताकि शोक की कंडीशन डेवलप ना हो, क्योंकि जैसे ही सीएसएफ लीकेज होगा, सीएसएफ लॉस होता है तो हाइपोवोलेमिया डेवलप हो सकता है, तो हाइपोवोलेमिक शोक डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या करना है, फ्लूड दे देंगे पेशेंट को, बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड लेना है उसको, ठीक है, जस्ट आफ्टर द प्रोसीजर। क्लियर। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ चुका होगा। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।